अजमेर के पटेल स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस बार तिरंगा झंडा कृषि मंत्री लालचंद कटारिया फहराएंगे, जिसे लेकर सुरक्षा के साथ ही अन्य इंतजाम भी पूर्ण कर लिए गए हैं। अजमेर नगर निगम की ओर से इस कार्यक्रम में देशी घी के लड्डू भी वितरित किए जाएंगे। अजमेर के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही सेंट्रल जेल और हाई सिक्योरिटी जेल में भी ये लड्डू वितरित किए जाएंगे, जिसे लेकर अजमेर नगर निगम ने 3 लाख की लागत से लड्डू का निर्माण करवाया है। 30,000 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, जिसका वितरण अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। यह लड्डू 1100 किलो देशी घी से बनाए गए, जिनका वितरण जिला स्तरीय समारोह में स्कूली बच्चों, पुलिस के जवानों और परेड में शामिल होने वाले बैंड व अन्य सहकर्मियों को वितरित किए जाएंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष की बात ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को नगर निगम द्वारा देसी घी के लड्डू तैयार किए जाते हैं, और ये मेनली जो पटेल मैदान में जो बच्चे कार्यक्रम करते हैं उनको और अपनी सेंट्रल जेल और अपने जो हाई सिक्योरिटी जेल है, इनमें लड्डू भेजे जाते हैं। करीब करीब 30,000 लड्डू बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो निगम के कर्मचारी हैं और जो स्टाफ है उनको भी लड्डू दिए जाते हैं। किस तरीके की सामग्री काम सामग्री हम लोग देसी घी में बनवाते हैं, और हर वर्ष जो है अपना बाज़ार जो सरकारी दुकान है वहाँ से सामान कच्चा माल क्रय किया जाता है, लेकिन इस वर्ष जो है कच्चा माल वहाँ से लिया गया और देसी घी हम सरस से डायरेक्ट ही लेके आए। हलवाई द्वारा जो है बना दिए गए लड्डू, आज से वितरण का काम जारी है। लगभग कितनी लागत से ये इसमें करीब करीब हलवाई के होते हैं करीब करीब 50,000 और 1.5 से 2 लाख के करीब का सामान आता है, करीब करीब 2 से 2.5 लाख रुपये लगते हैं इस पूरे कार्यक्रम में। मैं रविंद्र कुमार सैनी, अधिशासी अभियंता नगर निगम अजमेर।